नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस की बिलिंग, स्टॉक इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग के लिए व्यापार सॉफ्टवेयर को अपनी डिवाइस पे किस तरह से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्यापार बिलिंग सॉफ्टवेयर अपनी डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेंगे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते ही जैसे ही आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगी। तो सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लॉगिन कर लेंगे। तो आपके नंबर पर OTP रिसीव होगा। एंटर कर जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ आप एक्सपर्ट से अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग फ्री डेमो ले सकते हैं, जिसके लिए आप अपने अकॉर्डिंग डेट और टाइम सिलेक्ट कर एक फ्री डेमो पर क्लिक कर लेंगे। तो आपको सिलेक्टेड टाइम पर डेमो के लिए कॉल आ जाएगा, या आप चाहे तो आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ ऑप्शन का इस्तेमाल कर खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी और आपको इस प्रकार से स्क्रीन दिखाई देगी। तो आप अपना फर्स्ट सेल इनवॉइस बनाकर देख सकते हैं, जिसके लिए आप कस्टमर नेम और एड सैंपल आइटम के साथ बिल जनरेट कर सकते हैं, या आइटम नेम और बाकी डिटेल्स चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो ऐड आइटम पर क्लिक कर बाकी आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। सेव करते ही आइटम्स बिल में ऐड हो जाएंगे। और फिर रिसीव्ड अमाउंट एंटर करते ही जैसे ही आप क्रिएट फर्स्ट सेल इनवॉइस पर क्लिक करते हैं तो आपका इनवॉइस जनरेट हो जाएगा। यहाँ आपको मल्टीपल थीम्स दिखाई देंगी, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट और कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और चाहे तो प्रिंट, डाउनलोड या व्हाट्सएप के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। यानी आप रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर आदि ही क्यों ना हो, आप सभी बिजनेस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही आपको राइट साइड में ही फर्म डिटेल्स ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आप सिंपल 4 स्टेप्स को फॉलो कर डिटेल्स फिल कर सकते हैं। एंटर बिजनेस नेम के लिए दिए हुए कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करते ही आप कंपनी नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस आदि डिटेल्स फिल कर सेव कर लेंगे। अगर आप अपने डेस्कटॉप को फोन या किसी अदर डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं तो एक्सप्लोर सिंक फीचर का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं, और अपनी नेक्स्ट सेल के लिए क्रिएट नेक्स्ट सेल बटन का इस्तेमाल कर नेक्स्ट सेल बना सकते हैं। जैसे ही आप प्रीव्यू विंडो क्लोज करते हैं तो व्यापार होम पेज आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ आप वन शॉट में सेल, परचेज, एक्सपेंसेस के लिए मंथली, क्वार्टरली और ईयरली के अकॉर्डिंग फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। साथ ही आप अवेलेबल स्टॉक वैल्यू, लो स्टॉक आइटम, कैश इन हैंड आदि डिटेल्स भी इजीली देख सकते हैं। और अगर आप इन सभी की डिटेल्स को प्राइवेट रखना चाहते हैं तो साइट में दिए हुए प्राइवेसी फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऑन करते ही आपकी सभी डिटेल्स प्राइवेट हो जाएंगी। इसे आप जब चाहे ऑफ भी कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्लिक कर आप बिजनेस लोगो, बिजनेस नेम, अगर GSTIN नंबर है तो GSTIN नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी जैसी आदि डिटेल्स फिल कर लेंगे, और मोर डिटेल्स पर क्लिक कर बिजनेस एड्रेस, टाइप आदि इन्फॉर्मेशन ऐड कर अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। सेव करते ही आपकी सभी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। इसके बाद सबसे पहले आपको बिजनेस की प्रोडक्ट, सर्विस और पार्टीज को ऐड करना होगा, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट सेल भी बना सकते हैं। आइटम्स और पार्टीज को ऐड करने के लिए आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ जरूरी सेटिंग्स ऑन इनेबल करनी होगी, जिसके लिए आप लेफ्ट साइड में दिए हुए सेटिंग सेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको जनरल सेटिंग्स, ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांजेक्शन सेटिंग्स, प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग्स के लिए प्रिंट सेटिंग्स, टैक्स एंड GST के लिए टैक्सेस सेटिंग्स, यूजर रोल्स असाइन करने के लिए यूजर मैनेजमेंट सेटिंग्स, रिमाइंडर्स के लिए ट्रांजेक्शन मैसेज सेटिंग्स, पार्टी के लिए पार्टी सेटिंग्स और आइटम के लिए आइटम सेटिंग्स मिलेगी। जैसे अगर आपको आइटम के लिए और डिटेल्स ऐड करनी है तो आइटम सेटिंग्स पर क्लिक करते ही MRP वाइज, सीरियल नंबर या IMI नंबर वाइज, बैच नंबर वाइज, एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट वाइज, साइज या कलर वाइज, अपनी जरूरत के हिसाब से ऑन या फील्ड नेम को रीनेम भी कर सकते हैं। इसी तरह आप बाकी सेटिंग्स को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि व्यापार में आइटम कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए आप लेफ्ट मेन्यू में आइटम पर क्लिक करेंगे तो जो सैंपल आइटम आपने ऐड किया था तो वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं, पर आइटम डिलीट करने के लिए पहले आपको आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डिलीट करना होगा। जैसे ही आप इस आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डिलीट कर देते हैं तो आपका आइटम भी डिलीट हो जाएगा, जिसे आप चाहे तो रिस्टोर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यूटिलिटी सेक्शन में रिसाइकिल बिन ऑप्शन मिलेगा, जहां आपको सभी डिलीटेड ट्रांजेक्शन दिखाई दे जाएंगे। तो आप अपना ट्रांजेक्शन सिलेक्ट कर रिस्टोर या परमानेंटली
इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। अब न्यू आइटम ऐड करने के लिए ऐड योर फर्स्ट प्रोडक्ट पर क्लिक करते ही आपको प्रोडक्ट और सर्विस ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो सर्विस पर कुछ इस तरह से स्विच कर सकते हैं, पर क्योंकि हम आइटम ऐड कर रहे हैं तो आइटम नेम, आइटम एचएसएन, आइटम यूनिट आदि रिक्वायर्ड डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। या हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि व्यापार आपको अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने का फीचर भी देता है। तो अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं तो ऐड आइटम इमेज पर क्लिक कर आइटम की इमेजेस ऐड करना ना भूलें। या आप आइटम की मैक्सिमम 5 इमेजेस ऐड कर सकते हैं। प्राइसिंग सेक्शन में आप सेल और परचेज प्राइस, टैक्स रेट आदि फिल कर लेंगे और फिर स्टॉक पर क्लिक कर ओपनिंग क्वांटिटी में अवेलेबल स्टॉक क्वांटिटी, एड प्राइस में आप विदाउट जीएसटी प्राइस पर यूनिट ऐड कर सकते हैं, जो आपको स्टॉक वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी। डेट, मिनिमम स्टॉक टू मेंटेन, जो आपको लो स्टॉक होने पर अलर्ट कर देगा। साथ ही आप चाहे तो लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप बाकी डिटेल्स भी ऐड करना चाहते हैं तो सेव एंड न्यू बटन पर क्लिक कर कंटिन्यू आइटम्स ऐड कर सकते हैं। सभी आइटम्स ऐड करने के बाद आपको आइटम लिस्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसी तरह पार्टीज ऐड करने के लिए लेफ्ट मेन्यू में पार्टीज में जाकर ऐड योर फर्स्ट पार्टी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही पार्टी नेम, जीएसटीआईएन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, जीएसटीएन एड्रेस, क्रेडिट एंड लिमिट, अगर पार्टी का कुछ अमाउंट पेंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट एंटर कर टू रिसीव और टू पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप इस पार्टी के लिए क्रेडिट लिमिट भी सेट कर सकते हैं। एडिशनल फील्ड में आप पार्टी की अदर डिटेल्स जैसे आधार, पैन कार्ड नंबर आदि डाल सकते हैं और फिर सेव एंड न्यू पर क्लिक कर अपनी बाकी पार्टीज भी ऐड कर सकते हैं। इस सभी पार्टीज ऐड करने के बाद आपको पार्टी लिस्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इसके अलावा आप बल्क में भी आइटम इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप यूटिलिटीज ऑप्शन में जाकर इंपोर्ट आइटम पर क्लिक करते हैं तो आप या तो आइटम लाइब्रेरी की मदद से अपनी आइटम कैटेगरी चूज कर आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ऐड आइटम पर क्लिक कर आइटम्स ऐड कर सकते हैं, या फिर टॉप राइट कॉर्नर में दिए हुए अपलोड फ्रॉम एन एक्सेल फाइल पर क्लिक करते ही आप डाउनलोड सैंपल पर क्लिक कर सैंपल डाउनलोड कर लेंगे और फिर उस एक्सेल फाइल में अपने सभी आइटम्स उसकी डिटेल के साथ ऐड कर अपलोड फाइल की मदद से एक्सेल फाइल अपलोड करते ही आपकी आइटम्स लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। अगली विंडो पर आपको चेक करना होगा कि कहीं कोई आइटम विद एरर तो नहीं है। ऐसा है तो वो आइटम आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सभी आइटम्स को एरर लेस करने के बाद आप इंपोर्ट वैलिड आइटम पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपके सभी आइटम्स इंपोर्ट हो गए हैं। इसी तरह आप यूटिलिटी सेक्शन में इंपोर्ट पार्टी पर क्लिक करके बल्क में पार्टीज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि व्यापार से सेल बिल कैसे बनाएं। इसके लिए आप ऐड सेल पर क्लिक कर लेंगे या आपका सेल इनवॉइस नंबर एंड डेट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, जिसे आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं और फिर कस्टमर या पार्टी नेम, साथ ही आप कॉन्टेक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जिससे बिल जनरेट करने पर आपकी पार्टी को उसके व्हाट्सएप पर इनवॉइस इमीडिएटली शेयर हो जाए और फिर अपना आइटम सिलेक्ट या ऐड आइटम पर क्लिक कर आइटम डायरेक्टली भी आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ आइटम सिलेक्ट कर लिया है और फिर क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस पर यूनिट वैल्यू आदि डिटेल्स फिल या चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह आप अपनी बाकी आइटम्स भी ऐड कर लेंगे और फिर अपना रिसीव्ड अमाउंट एंटर कर पेमेंट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप अपना नोट भी एंटर कर सकते हैं। सेव करते ही आपके कस्टमर को इनवॉइस उनके व्हाट्सएप पर रिसीव हो जाएगा। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग थीम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस पर भी शेयर कर सकते हैं और प्रिंट या डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप परचेज के थ्रू एंट्री करना चाहते हैं तो एड परचेज पर क्लिक कर पार्टी नेम और आइटम एड या सिलेक्ट कर लेंगे और जितना भी क्वांटिटी आपने परचेज किया है वैल्यू एंटर कर बाकी डिटेल्स फिल कर लेंगे और पेड अमाउंट एंटर कर आप पेमेंट टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो नोट भी एंटर कर सकते हैं। सेव करते ही आपका आइटम परचेज्ड क्वांटिटी के साथ स्टॉक में ऐड हो जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप व्यापार से कैसे खुद का ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं और उसे अपने कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए मेन मेन्यू में ही माई ऑनलाइन स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आप क्रिएट ऑनलाइन स्टोर बटन पर क्लिक करते ही आपका ऑनलाइन स्टोर क्रिएट हो जाएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ आप एडिट स्टोर इन्फो पर क्लिक कर स्टोर डिटेल्स जैसे कंपनी नेम, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बिजनेस एड्रेस आदि डिटेल्स ऐड कर सेव कर लेंगे और चाहे तो गेट योर ओन वेबसाइट पर क्लिक कर ऑनलाइन स्टोर के लिए अपने अकॉर्डिंग डोमेन भी परचेज कर सकते हैं, जिससे आपके बिजनेस की ब्रांडिंग और डोमेन याद रखने में भी आसानी होगी।
ऑनलाइन स्टोर क्रिएट होते ही शेयर ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक कर स्टोर लिंक अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आपके कस्टमर लिंक पर क्लिक कर ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रिसीव होगा, जिस पर क्लिक कर आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकते हैं। या आप मैनेज आइटम्स पर क्लिक कर ऐड आइटम की मदद से ऑनलाइन स्टोर में आइटम्स ऐड भी कर सकते हैं, और आइटम अवेलेबल ना होने पर आउट ऑफ स्टॉक भी आसानी से कर सकते हैं, और थ्री डॉट्स पर क्लिक कर एडिट आइटम लिस्ट की मदद से आइटम्स रिमूव भी कर सकते हैं, और तो और अपना ऑनलाइन स्टोर व्हाट्सएप SMS आदि के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सिलेक्टिव आइटम लिस्ट अपने कस्टमर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सर्च फील्ड का इस्तेमाल कर आप आइटम सर्च या फिल्टर आइकन पर क्लिक कर अपने अकॉर्डिंग फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। मैनेज ऑर्डर्स की मदद से आप ऑनलाइन ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं और स्टोर रिपोर्ट भी देख सकते हैं। स्टोर प्रीव्यू के लिए प्रीव्यू पर क्लिक कर देख सकते हैं कि आपका ऑनलाइन स्टोर आपके कस्टमर्स को किस तरह से दिखाई देगा। और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते हैं तो सेटिंग आइकन पर क्लिक कर एक्सेप्ट ऑनलाइन ऑर्डर्स को ऑफ कर सकते हैं। साथ ही आप चाहे तो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट भी सेट कर सकते हैं और डिलीवरी या कस्टम जैसे चार्जेस भी ऐड कर सकते हैं। और आइटम पर डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए आइटम डिस्काउंट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप अपने स्टॉक को ऑनलाइन स्टोर से लिंक रखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप व्यापार में अपनी बिलिंग इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस की बिलिंग और इन्वेंट्री के साथ साथ अकाउंटिंग भी जरूरी है, जिसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन व्यापार आपको सारी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स खुद प्रदान करता है। इन सभी की रिपोर्ट्स के लिए रिपोर्ट सेक्शन पर क्लिक करते ही आपको सभी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगी। ये रिपोर्ट्स आपके ट्रांजैक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। इन रिपोर्ट्स में शामिल है ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, डे बुक, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट, बैलेंस शीट रिपोर्ट, पार्टी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट्स, आइटम रिपोर्ट्स, बैंक स्टेटमेंट, टैक्स रिपोर्ट्स, एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स, ऑर्डर रिपोर्ट्स और लोन जैसी आदि रिपोर्ट्स शामिल हैं। इन रिपोर्ट्स के द्वारा आप अपने बिजनेस पर पूरी तरह से नजर रख सकते हैं। तो इस प्रकार व्यापार आपके बिजनेस मैनेजमेंट को आसान बनाता है और आपके समय की बचत करता है। इसलिए व्यापार के लिए सिर्फ व्यापार ऐप। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और जरूरतमंद के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही व्यापार से रिलेटेड सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारिंग।